दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। आज की बात करें तो पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल 80 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। लोग अब डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू चुके हैं। 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन पेट्रोल जो है राजधानी दिल्ली में 90 के पार बिक रहा है तो डीजल 80 के पार बिक रहा है। तस्वीरें पीछे की ओर देख सकते हैं, मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो डीजल का जो दाम है आज 90.93 पैसा प्रति लीटर है, और डीजल की बात की जाए तो डीजल के जो दाम है 81.32 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो कहा जाए राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू चुके, लेकिन इस महंगाई की मार जो है जो पेट्रोल और डीजल डलवाता है आम जनता वो पिसती नजर आ रही है। शख्स हैं, बातचीत करते हैं। भाई साहब, सोचा था पेट्रोल 90 के पार बिकेगा, इतने महंगाई कर दिया, इतने में सैलरी नहीं मिलती जितने में पेट्रोल महंगा कर रखा है। तो सर बजट भी हिला फिर? बजट में देखो क्या करते हैं, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल। एक और शख्स है, बाइक चालक है, इनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, बहुत परेशानी हो रही होगी आपको? बहुत बड़ी परेशानी है भैया, बहुत बड़ी परेशानी है। आपने सोचा था कि पेट्रोल 90 के पार हो जाएगा, कि आप ऐसे पेट्रोल डलवाएंगे आप? नहीं नहीं हमें तो ये पता है कि मंदा रहेगा पेट्रोल, तो अभी इतना रेट थोड़ी होगा, अभी तो बढ़ता जा रहा है। कितना काम लीटर पेट्रोल डलवाते थे पहले और अब कितना डलवा दें महंगाई को लेकर? पहले टंकी फुल करवाते थे, अब जो है 100-200 का डलवाते हैं। क्या काम करते हैं? हम मावे का काम करते हैं। फील्ड का काम है आपका? हाँ जी। तो पेट्रोल ज़्यादा लगता होगा, जाहिर सी बात है। हाँ ज़्यादा लगता है, एक दिन में ख़त्म हो जाता है 200-250 रुपये। तो जेब पे भी असर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा? काम है ही नहीं, काम तो बिल्कुल ख़राब है पड़ा है, बट क्या क्या करें तो करें क्या, मजबूरी है हमारे साथ में। बिल्कुल, काम है नहीं, करे तो करे क्या, क्योंकि मजबूरी बन चुकी है लोगों की पेट्रोल डलवाना। पेट्रोल के बिना बाइक और स्कूटी चलती नहीं है, वाहन चलती नहीं, और लोगों की यही मजबूरी है कि लोग मजबूरी में आकर अब जहां पहले टैंकी फुल कराते थे अब वो 100-200 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हो। तो दूसरी ओर बात की जाए तो अभी फिलहाल कुछ दिनों तक पेट्रोल डीजल डलवाने वाले लोगों को राहत मिलना बाकी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों तक पेट्रोल डीजल के दामों में जो गिरावट है वो फिलहाल आना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन हरीश चंद्रा के साथ साहिल भाम, रिटोटो न्यूज़ दिल्ली।